डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने घोषणा की कि मेरा हिंदू धर्म में जन्म हुआ है लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा। आपको सवाल उत्पन्न होता होगा कि उन्होंने त्वरित ही धर्मांतर क्यों नहीं किया, क्योंकि इतिहास में जिन जिन महापुरुषों ने विषमता वाले धर्म त्याग कर यानी हिंदू धर्म त्याग कर बौद्ध धर्म स्वीकारा उन उन महापुरुषों की हत्या हुई दिखाई देती है। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर को उनका कार्य पूर्ण करना था जो उन्होंने 35 और 40 वर्ष में पूर्ण किया। और 1956 में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने 14 अक्टूबर को अपने 5,00,000 अनुयायियों के साथ बुद्ध धर्म स्वीकारा। और उस दिन 14 अक्टूबर 1956 को अशोक विजयादशमी थी। इस दिन के अवसर पर उन्होंने बुद्ध धर्म स्वीकारा। इसका भी एक इतिहास है, इसका भी एक रीजन है। उस दिन अशोक विजयादशमी थी। सम्राट अशोक ने कलिंगों को हराया और 10 दिन का उत्सव रखा था, लेकिन उन्हें समाधान नहीं मिला। इसीलिए उसने 10 दिन होने के बाद मतलब 10वें दिन उन्होंने अपने हाथ की तलवार नीचे रखकर बौद्ध धर्म स्वीकारा। और वो दिन अशोक विजयादशमी बहुत बड़ी धर्म की क्रांति की। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने भी उसी दिन बौद्ध धर्म स्वीकारा। आगे 16 दिसंबर को वो अपने अनुयायियों को 10,00,000 अनुयायियों को बौद्ध धर्म देने वाले थे, लेकिन उनका संशयास्पद मृत्यु 6 दिसंबर को हुआ। और आज आप सब लोग यहाँ पर आए हो, आप सबका मैं मनपूर्वक अभिनंदन करती हूँ, सहर्ष स्वागत करती हूँ। और इस कार्यक्रम का सुंदर ऐसे आयोजन किया, इसलिए आयोजकों का भी मैं मनपूर्वक धन्यवाद व्यक्त करती हूँ। एक बार आयोजक टीम के लिए जोरदार तालियां होनी चाहिए। क्या करें, आयोजक टीम के लिए भी तालियां तो भी बज रही है, जोर से बजाओ। インド人がやっぱすごい。